स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण अनियंत्रित होने का प्रभाव हरियाणा में भी पड़ा है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के पास तीसरी लहर से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में उपकरण और दवाएं उपलब्ध हैं। अनिल विज ने कहा कि दिल्ली में बढ़ते कोरोना मामलों का असर NCR क्षेत्र में पड़ा है, इसके चलते गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में संक्रमण दर बढ़ी है। हमारे प्रदेश में भी जितने रोज के नए केसेस हैं जो कि लगभग 9000 हैं, उसमें से आधे से ज़्यादा तो गुड़गांव, फरीदाबाद, सोनीपत, दिल्ली के अनियंत्रित संक्रमण का हरियाणा पर बहुत प्रभाव पड़ता भी है और पड़ भी रहा है, लेकिन हम अपने प्रदेश में आवश्यकता के अनुसार सब जगह पर स्वास्थ्य सेवाओं का इंतजाम करके उनसे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान भी सुचारू रूप से चल रहा है और अब तक 100% पात्र व्यक्तियों को टीके की पहली खुराक और 77% पात्र व्यक्तियों को टीके की दूसरी खुराक लगाई जा चुकी है। इसके अलावा 7 लाख से अधिक किशोरों का भी टीकाकरण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि 15 से 18 आयु वर्ग के उन्हीं बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने टीका लगवा लिया है। हम वैक्सीनेशन बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं। पहली डोज तो 100% लोगों को हमने लगा दी है, दूसरी डोज भी 70% लोगों को लग चुकी है, अभी कईयों की ड्यू नहीं है। जहाँ तक बच्चों का बात है तो 7 लाख बच्चों को इंजेक्शन लगाया जा चुका है। अब हमने निर्णय लिया है कि जो बच्चा 15 से 18 साल तक की आयु का जो बच्चा इंजेक्शन नहीं लगाएगा उसको स्कूल खुलने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।